नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह। स्वागत है आपका आपके चैनल टेल ऑफ वंडर्स पे। आज हम आपको विजिट कराएंगे गुप्तेश्वर महादेव केव। ये केव पोखरा में है, नेपाल में। ये काफ़ी ब्यूटीफुल केव है, आप ये देख सकते हो। ये बहुत ही पुरानी और प्राचीन, लगभग 600 साल पुरानी ये केव है। ये गुप्तेश्वर महादेव का ये टेम्पल है और ये आप देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पर आपको अद्भुत और अच्छा फील होगा। और ये घुमावदार जो सीढ़ियाँ जा रही हैं अंदर, ये केव के अंदर जाती हैं, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद ये है गुप्तेश्वर महादेव, आप ये देख सकते हो, ये स्लीपिंग पोस्चर में है। अभी इनकी जो प्रतिमा है ये काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। जब भी आप कभी भी विजिट करने पोखरा जाते हो या नेपाल में जाते हो, उसके बाद पोखरा जाते हो, तो आप इस गुप्तेश्वर महादेव में आप ज़रूर जाना घूमने। बहुत ही अद्भुत और विशाल टेंपल है और मैं आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे कि यहाँ पर क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है और क्या यहाँ पर खासियत है और क्या यहाँ पर हुआ था और कितनी पुरानी ये गुफा है। यह गुफा छोरेपाटन कास्की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पोखरा में वहाँ पर है। और जो मैंने आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो पिछली वीडियो में डेविस फॉल बताया था मैंने, इस गुफा के जो मंदिर है, ये टेंपल है गुप्तेश्वर महादेव के, इसके सामने बिल्कुल डेविस फॉल है। उसका जो पानी मैंने आपको गुफा में बताया था कि उसका पानी पाताल लोक में जाता है, तो ये गुफा भी पाताल लोक में जाती है और वो डेविस फॉल का जो पानी है वो पाताल लोक में ही जाता है और इस गुफा से होकर जाता है। और हम आज लोग आपको पाताल लोक में ही जाकर बताएंगे कि वो पानी कहाँ से है और कहाँ जाता है। और ये अगर आप मेरी जो पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि ये रास्ता है जो ये जाता है महादेव केव के अंदर, गुफा के अंदर अभी हम जा रहे हैं। ये गुफा मतलब 600 साल पुराना यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है, बट ये गुफा उससे भी पुरानी है। बट जो ये लोगों को वहाँ के लोकल जो पोखरा के चरवाहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पर खोज, उनको ये गुफा मिली है तो वो टाइम है। बट वैसे आप देखोगे तो हज़ारों साल पुरानी ये गुफा है। और यहाँ पर बोलते हैं कि इस गुफा में शिवजी जी ने एक बार ब्रह्मासुर से छुपने के लिए इस गुफा का यूज किया था और यहाँ पर आके वो छिप गए थे। और इसके बहुत सारे इस गुफा के रहस्य हैं और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए अगर आपने इस मेरे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे और रोचक और जानकारी। और जैसे भी ये वीडियो आपको सामने है और इस तरीके की अनेकों वीडियो हैं जो मैं आपको आने वाले समय में देता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये देख सकते हो ये टेंपल है, गुफा के अंदर है ये टेंपल, बहुत पुराना मंदिर है ये गुप्तेश्वर महादेव का, आप ये देख सकते हो। और इसके बैक साइड में ही ये गुफा के आप जाओगे तो बैक साइड में मंदिर के आप नीचे जाना पड़ेगा आपको, बहुत ही नीचे सीढ़ियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप नीचे चलते रहो, आपको और संकरी जगह होती चली जाएगी इस गुफा में जाने के लिए। आप अभी मतलब मैं क्या बताऊँ, 4-5 फ्लोर जैसे बेसमेंट में आप ऊपर जाते हो, ऐसे 4-5 फ्लोर जैसे आप नीचे आओगे ना, इतना नीचे आप आ चुके हो। और आप जितना नीचे जाते जाओगे ये जगह उतनी संकरी होती जाएगी, क्योंकि आप, मैंने जैसे ही आपको बताया कि आप जा रहे हो अभी पाताल लोक में। और यहाँ पर आपने महादेव के दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं गुफा की तरफ। और ये रास्ते आप देख सकते हो कितने संकरे रास्ते हैं। और यहाँ पर जब आप आओगे आपको इंटरनली एक अंदर से सुकून और शांति और एक ठंडक होती है ना, उसका एक आपको अनुभव होगा। आप ये देख सकते हो आगे इतना संकरा रास्ता आ गया कि एक ही बंदा एक बार में निकल सकता है। तो आप ये देख सकते हो, अब हम पहुँचे गुफा में, ये गुफा देख सकते हो। अभी आपको और नीचे जाना है, 600 ईयर ओल्ड ये केव है,
आप ये देख सकते हो, जब मतलब 600 तो मैं जो एक नंबर है जो आपको बता रहा हूँ जो इंसानों ने ढूंढा है उसके बाद का, बट आप ये सोचो कि ये कितनी पुरानी होगी। और ये आप देख लीजिए, अभी हम केव के अंदर हैं और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ ले जाकर। ये केव में हैं, अभी ये सीढ़ियाँ और नीचे जाती हैं जहाँ पर मैंने बताया था कि डेविस फॉल का जो झरना गिरता है पाताल लोक में, वो कहाँ पे गिरता है, वो यहाँ पर गिरता है इस जो पाताल लोक में जो ये गुफा है इसकी गुप्तेश्वर महादेव की, ये यहाँ पर गिरता है। और ये मंदिर है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये शिव और माता पार्वती की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक हिंदू प्राचीन मंदिर है नेपाल में पोखरा में, और ये अगर आप कभी नेपाल आएँ तो यहाँ पर दर्शन करना आप ना भूलें, यहाँ पर आप ज़रूर आए। जो ये मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और उसके बाद हम आपको चलिए आगे दिखाते हैं, लेके चलते हैं आपको जहाँ पर वो डेविस फॉल गिर रहा है पाताल लोक में। ये ऐसी गुफा है जहाँ पर झरना पाताल लोक में जो गिरता है यहाँ पर गिरता है, और जहाँ पर सूरज की रोशनी भी यहाँ पर पहुँचती है। आप ये देख सकते हो, ये हमारे बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। अभी जहाँ पर ये आप पीछे आप देख सकते हो, ये मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे वो झरना दिख रहा होगा आपको, वो देख सकते हो। ये अभी हम पाताल लोक में है, और जो मैंने आपको बताया था डेविस फॉल गिर रहा है वो आप देख सकते हो कहाँ पर गिर रहा है, बिल्कुल इस गुफा के अंदर आकर वो गिर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इस गुफा का क्या रहस्य है। एक झरना है जो आकर इस पाताल लोक इस गुफा में, गुप्तेश्वर महादेव की इस गुफा में आकर वो झरना ख़त्म हो जाता है। सूरज की रोशनी ऐसी गुफा है जहाँ पर पहुँचती है पाताल लोक में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको इस गुफा में एक अलग सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पानी की ड्रॉपिंग होती रहती है, टपके धीरे धीरे गिरते रहते हैं आपके बॉडी के ऊपर, चिल्ड बिल्कुल। और ये आप देख सकते हो, ये है गुप्तेश्वर महादेव की गुफा। ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, हमारे पीछे ये डेविस फॉल जो गिर रहा है वो बैक साइड में, वो यहाँ पर गिर रहा है। तो ये काफ़ी प्राचीन और पुराना मंदिर है, इसके भी काफ़ी रहस्य हैं। सारे तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया, जो भी हैं जितने भी हैं जितने भी जानकारी मैं आपको देश का और वो इसमें मैंने आपको बता दिया है। और ये गुप्तेश्वर महादेव के जो टनल है, एग्जिट वे या आने का वे एक ही है, आप एक ही रास्ते से आओगे, एक ही रास्ते से आप जाओगे। यहाँ पर लोग काफ़ी होते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में एक ही बंदा इससे बाहर निकल सकता है। तो अगर आप कभी नेपाल आए तो इस गुफा में ज़रूर घूमने आना, आपको एक अद्भुत और एक रहस्य में ही आपको एक गुफा लगेगी। और आपको यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद भी आपको अच्छा शांति का सुकून मिलेगा। आप ये देख सकते हो, ये टेंपल है, ये हनुमान ये सॉरी शिवजी भगवान का ये मंदिर है। चारों तरफ से लोहे की ग्रिल से घिरा हुआ ये टेंपल है। आप यहाँ पर भगवान जो गुप्तेश्वर महादेव है उसके दर्शन आप कर सकते हो। ये टेंपल है, आप देख सकते हो, और ये आगे नंदी भगवान है। और उसके बाद आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप कुछ देर बैठ सकते हो, यहाँ पर विश्राम कर सकते हो। और ये देख सकते हो शिवलिंग है गुप्तेश्वर महादेव का, और ये टेंपल है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम ऊपर आते हैं, तो ऊपर आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्लीपिंग मुद्रा में जो गुप्तेश्वर महादेव यहाँ पर लेटे हुए हैं, यहाँ पर आरती चल रही होती है। तो हम यहाँ पर कुछ देर टाइम के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ताकि हम आरती के दर्शन करने के बाद, महादेव के दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको टाइम से मिलती रहे। और यह है गुप्तेश्वर महादेव, और आप लीजिए इस वीडियो का मज़ा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।